कई ऐसे अपराधी दल हैं जो जनता दल यूनाइटेड में हैं, और आप लोग याद कीजिएगा विधानसभा में भी हमने कहा था कि कई ऐसे सदस्य यहाँ भी बैठे हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जो है संरक्षण देने का काम करती है, सभी को संरक्षण दिया, सृजन घोटाला हो या कोई घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, आप सब लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते लोग तो सही कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन पहले कल जो है मंत्री के यहाँ शराब पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं की। एक मंत्री के भाई जो है वो खुले आम सरकारी उद्घाटन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपालगंज से एक विधायक आते हैं सरेआम, उन्होंने ट्रिपल मर्डर किए, कई अपराध किए, यूपीए पुलिस की एसटीएफ घूम रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वही पश्चिम चंपारण के तरफ से वहां के विधायक थे जनता दल यूनाइटेड के, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और फरीदपुर से, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रिंकू सिंह जी ने एक हत्या करने का काम किया, और आप चाहेंगे कि थोड़ा सा एक कुर्सी यहां लगवा दीजिए, आइए बता दें। इनकी धर्म पत्नी जो है जिनकी हत्या हुई थी स्वर्गीय दयानंद वर्मा, जो कि पूर्व जिला पार्षद है, 14 फरवरी को धीरेन्द्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उन्होंने हत्या किया, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई धर पकड़ नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले दयानंद वर्मा जी की धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य हमसे मिलने आए थे, और हमने कहा था कि आपको जो है इंसाफ दिलाने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा बल होगा, जो प्रयास होगा, अपराधियों को पकड़ने में हम पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब हमारे साथ उनकी धर्म पत्नी है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला, विधायक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही है असली जंगल राज, जहां सरकार और सत्ता जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राक्षस राज्य में जो है राक्षस जो सरकार चल रहा है उसमें पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। पुलिस का एनकाउंटर होता है, शराब माफिया करते हैं, लेकिन